नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग एक गेम का। तो यहाँ पे आज हमारे पास जो है टॉयमेट कंपनी की तरफ से जो है बनाया हुआ अफ्रीकन सफारी करके एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल गेम है। तो इसके अंदर जो है 5 पीसीस ऑफ पजल्स हैं और ये जो है एक हाइड एंड सीक गेम आई थिंक सीरीज का एक पार्ट है। और इसके अंदर जो है 132 चैलेंजेस है और ये जो गेम है वो 5 साल से 9 साल के बच्चों के लिए काफ़ी बेहतरीन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो है प्राइस आपको मिल जाता है 440। तो ये आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा और ऑनलाइन मार्केट में भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो है बक्से का आउटलुक है। इसका हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे और रिव्यू भी करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे खेला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉयमेट जो है वो मुंबई बेस्ड कंपनी है और ये जो है पजल कैटेगरी है, टॉय है। 660 ग्राम का वजन है इसका। मैन्युफैक्चरिंग दिसंबर 2019 में हुआ था और ये सब चीज़ें यहाँ पे बेसिक दी है। इसका फेसबुक पेज भी है। तो इसके अंदर एक बोर्ड गेम है, 5 जो है हाइडर टाइल्स है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, एक बुक ऑफ चैलेंजेस विद सॉल्यूशंस है और ये मेड इन इंडिया है। तो यहाँ पे इसको कैसे खेलना है उसका यहाँ पे गाइडेंस दिया है बेसिक। तो यहाँ पे इस तरीके का इसका बोर्ड है और 5 पीसीज ऑफ पजल्स है यहाँ पे। तो ये जो है ये जो मतलब शेप्स हैं आई थिंक वो पजल्स हैं, उसका यूज़ करके ये बुक के अंदर जो पिक्चर्स दिए हैं उसको आपको सॉल्व करना है। तो ऐसे 132 चैलेंजेस है ये बुक के अंदर अकॉर्डिंग टू मुझे ऐसा लग रहा है। और इसके अंदर जो है ये चैलेंजेस जो है वो 5 डिफरेंट लेवल के एक्सपर्टाइज वाला है। ईच लेवल हैज़ 27 चैलेंजेस। तो 5 लेवल है, मे बी बिगिनर टू एडवांस लेवल। तो ये जो है गेम आपके पजल मतलब ये गेम के थ्रू जो है बच्चों का जो है IQ लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा। और टॉयमेट जो है उसके काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉयज आते हैं, गेम्स आते हैं, पजल्स आते हैं। इसको जो है आप ज़रूर से एक बार देखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको कैसे खेलना है, बेसिक इंस्ट्रक्शन दी है। तो चलिए इसको जो है ज़्यादा देर ना लगाते हुए इसको खोल देते हैं। तो ये जो है आप अपने बच्चों को गिफ्ट में दे सकते हैं या तो फिर आपके भांजे भतीजियों को गिफ्ट में दे सकते हैं, बहुत ही वो खुश हो जाएंगे और आपको भी जो है उसमें उनका जो है नॉलेज लेवल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसको हम खोल लेते हैं बक्से को। वाह, क्या ब्यूटीफुल यहाँ पे आपको ये बोर्ड मिल जाता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा जो है इंस्ट्रक्शन मैनुअल है हिंदी और इंग्लिश के अंदर के, और पेरेंट्स के लिए भी इसके अंदर गाइड है। यहाँ पे इसको आप हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आप अगर इसको ऑनलाइन परचेस करते हैं तो अभी जो 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 चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ अगर वो इसके अंदर नहीं है तो आप तुरंत ही ये गेम जो है उसको आप वापस कर दें। और जब आप रिटर्न कर रहे हो तो उसमें स्पेसिफिकली बताएं कि इसके अंदर क्या नहीं है। ये जो है 5 पीसीस ऑफ पजल से आई थिंक 1, 2, 3, 4 और 5। तो मुझे लगता है इससे जो है इस तरीके से ढक के जो है पजल को सॉल्व करना होता है। तो ये पिक्चर अगर पिक्चर बेस्ड पजल्स है तो मुझे लगता है कि बच्चों की जो है विजुअल थिंकिंग काफ़ी हद तक जो है बढ़ सकती है। यहाँ पे आई थिंक इस तरीके से ये पूरा है 132 चैलेंज, ज़बरदस्त है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वैसे अगर आप बड़े हैं तो आपको तो इजी लगेगा, बट बच्चों के लिए जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे जैसे कि चैलेंज 1 है, इसके अंदर क्या करना होगा कि भाई हमको जो है 5 हाथी जो है उसको ढूंढना है, शायद ऐसा कुछ है इसके अंदर। और इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से इसको रखना है ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा बताया है। इसको यहाँ पे रखना है, ओके। इसको तो यहाँ पे रख देते हैं। इसको तो नहीं रखना है, इसको यहाँ पे रखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा।
ओके, तो इसके अंदर जो है दो हाथी है, यहाँ पे दो हाथी आ गए और इसको ऐसे रख देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये बच्चों के लिए जो है काफी मतलब मजेदार गेम बन सकता है। तो इसको जो है आप जरूर से ट्राई करें और अपने अनुभव जो है कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर एडवांस लेवल पे जो है काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जो है पजल्स आपको मिलेंगे। ये देखिए, ये सुपर हार्ड है। तो अभी हम लास्ट वाला जो है उसको यहाँ पे सॉल्यूशंस भी यहाँ पे दिए हैं पीछे। तो लास्ट वाला 132 वाला मैं एक बार ट्राई करता हूँ। इसके अंदर जो है पहले ये हम निकाल लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमको जो है पांच एनिमल्स को ढूंढना है। और सबसे पहला दो जिराफ जो है आ चुके हैं, उसके बाद के मंकी। ऑलराइट, ओके, और अब जो है एक मंकी ही बाकी रहा है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हार्ड है। ओके, तीन हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबको जो है दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा, तो इतना इजी तो है नहीं। एक बार फिर से जो है मैं देखने की कोशिश करता हूँ। ओके, तीन कैरेक्टर आ गए हैं, अभी दो का सेटिंग करना है। ओके, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने में काफी अभी दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन भी जो है आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, बट आपने देखा कि बच्चों को जो है काफी अच्छा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई ये पांच एनिमल्स के पिक्चर्स जो है उसको इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो काफी जो है इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग गेम है। और अभी जो है मेरी एज 35 है और मैं भी अभी जो है इंस्टेंटली इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो बच्चों के लिए तो आप समझ ही सकते हैं काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो इसको आप जरूर ट्राई करें और अपने अनुभव कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करें। उसके अलावा जो है, अगर ये वीडियो को 500 लाइक्स और 100 कमेंट्स मिल जाते हैं तो इसकी जो है होलसेल प्राइस को मैं रिवील करूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर। और 10,000 अगर सब्सक्राइबर हो जाते हैं ये चैनल को, तो भी जो है ये चैनल पे जितने भी इस तरीके के गेम्स के टॉयज के अनबॉक्सिंग के वीडियोज हैं सभी के जो है होलसेल प्राइस को मैं रिवील कर दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपकी कोई क्वेरीज है, सुझाव है, या तो फिर आपको कोई ऐसे टॉयज़ का जो है अनबॉक्सिंग रिव्यू करवाना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। एंजॉय योर लाइफ, हैव अ नाइस डे।